जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं गुरु रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अनुभव से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमने देखा जो उपाय, जो टोटके, जो ज्ञान सच में उपयोगी है, जिससे जीवन बदल जाता है, वो हम आप सभी के साथ शेयर कर सकें। हमारे ये चैनल वो चैनल नहीं है जहाँ पर पढ़ करके हम कोई भी किताब में से कोई भी मंत्र, कोई भी टोटका, कोई भी उपाय आपको बताते हैं। हमारे चैनल पे जो भी उपाय, जितने भी टोटके होते हैं, जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, वो सारे ही हमारे अनुभव पे आधारित है, परखी हुई है। हम स्वयं अपने पर उनको परखते हैं, अपने शिष्यों पर उसको परखते हैं, और फिर जो सबसे श्रेष्ठ जल्दी फल देने वाला उपाय है वो आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। आज जो टॉपिक है, बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, गुरु मां ऐसा कोई दिन आप बताएं, ऐसा कोई लकी दिन हमें बताएं जिस पर काम करने से हमारे काम बने, क्योंकि काम में बहुत रुकावट आती है, काम बार बार रुकते हैं, तो ऐसा कोई क्या दिन होता है, क्या हमारी राशि के अनुसार ऐसा कोई दिन निर्धारित किया जा सकता है जिसपे काम करने से हमारा जीवन और बेहतर हो सके, अड़चने जो काम में आ रही है, बाधाएं जो आ रही है वो हट जाए, दूर हो जाए, तो इसी विषय में आज मैं आपको बताऊंगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके, और बेल का आइकन, सब्सक्राइब पेज पे बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो विशेष दिन जिस पर कार्य करने से आपकी किस्मत आपका साथ हमेशा देगी, जिससे कि आपका जो विशेष ग्रह है वो स्वराशि का होने के कारण आपको कभी भी अनलकी नहीं बनाएगा। उस दिन आप जो भी काम करेंगे वो हमेशा ही आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा और सफल होगा, कोई बाधा नहीं होगी। इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाति कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगो स्वकर्मणि। केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा ना करो, कर्म करो। बहुत अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता है, बिना फल की इच्छा किए कर्म ही क्यों करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में बहुत गहरी बात गीता में कही है, और इसी बात से हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज आपको वो रहस्य बताने जा रही हूं कि कैसे आपके सभी काम बने, कैसे काम में कोई बाधा ना आए और काम में उन्नति और तरक्की हो, सफल हो, सोचे हुए काम बने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल कर्म पर तेरा अधिकार है, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने फल के बारे में नहीं सोचना, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप बस कर्म करते जाए किसी भी दिशा में, चाहे अच्छे करें या बुरे करें। कर्म का फल ना सोचने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कर्म के जो फल हमें प्राप्त होगा उस फल से अटैच ना हो जाए, हमें मोह ना पकड़ ले, हम उसके अंदर इतने ना डूब जाए कि उसके होने ना होने से हम दुखी होने। तो कर्म तो हो लेकिन फल की इच्छा से हम जुड़े ना। अगर आप अपने जीवन में सच में सफलता चाहते हैं तो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना शुरू कर, यही कर्म योग का सिद्धांत है। जब तक आपने कर्म किया, जब तक मैंने कर्म किया, मुझे फल मिला, मुझे नहीं मिला, तब तक ही जीवन में बार बार हम गिरते हैं। और जिस दिन हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हैं कि कर्म भी मेरा नहीं, तू ही मेरे द्वारा कराता है, फल भी मेरा नहीं, अच्छा हो या बुरा वो तेरा ही है ईश्वर, जब ऐसी भावना आपके मन में आती है, जब ऐसी भावना मन में आएगी तो कर्म सदा ही श्रेष्ठ होगा, कर्म हमेशा सफल होगा, सोचे हुए काम भी बनेंगे।
तो यही आपको समझाना चाहूंगी, यदि सच में अपने कर्मों में कोई बाधा नहीं चाहते हो तो ईश्वर को अपने कर्म समर्पित कर दो। जब तक तुम हो तो सफलता मिल नहीं सकती, जब ईश्वर है तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं आपके लकी दिन के बारे में। हफ्ते में यूं तो 7 दिन होते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा दिन है जिसके प्रयोग से आपका बुरा समय भी अच्छा हो जाता है? वो कौन सा ऐसा दिन है हफ्ते का जहां कोई भी काम करने से बनेगा ही बनेगा, जहां देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी, जहां आपके सितारे आपका साथ देंगे, जहां आपकी राशि के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो स्वग्रही होकर के आपको सदा ही आशीर्वाद देंगे और आपका काम निश्चित रूप से 100% बने। आज हफ्ते में से उस लकी दिन के बारे में हम बात करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपके बोलते नाम के अनुसार, नाम के अक्षर के अनुसार आपकी मकर राशि, मकर राशि वालों आपका लकी डे कौन सा है? पूरे हफ्ते की यदि बात करें तो जो सबसे ज्यादा लकी डे है वो आपका है शनिवार। बहुत से लोग मानते हैं शनिवार शुभ नहीं होता, लेकिन मकर राशि वालों आपके लिए शनिवार बहुत ही शुभ है। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली की स्थिति नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली एक बार चेक करा सकते हैं। हम व्हाट्सएप की वीडियो कॉल द्वारा हम आपकी जन्म कुंडली चेक करेंगे और आपको आपकी कुंडली के अनुसार हर वो परेशानी का उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में आ रही हो। और हम हर तरह की परेशानी का उपाय करने में सक्षम हैं, चाहे आपकी वो परेशानी धन से संबंधित हो, पैसों से संबंधित है, आपके व्यापार से संबंधित है, आपके जॉब से संबंधित है, जॉब की ट्रांसफर से संबंधित है, या आपका करियर सेट नहीं हो रहा, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित है, या शादी में कोई जीवन में आपका जीवन साथी आपको प्राप्त नहीं हो रहा, या शादीशुदा जीवन में कोई तनाव आ रहा है, या आपको बच्चों की कोई समस्या है, या आप विदेश सेटल होना चाहते हैं, अब तक हो नहीं पा रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की कोई सी भी परेशानी हो, जन्म कुंडली में हर प्रकार की परेशानी का हल होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे या गुरु जी से चेक करा के हर प्रकार की परेशानी का समाधान ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उन पे कॉल करके हमसे या गुरु जी से एक अपॉइंटमेंट बुक करिए। अपॉइंटमेंट बुक करने की एक छोटी सी फीस ली जाती है, जो कि आप पेटीएम से या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा दे सकते हैं हमारे शनि भगवान के मंदिर के अकाउंट में, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाता है। ये जो फीस है ये हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन के काम आती है। साथ ही हम जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे हर शनिवार को हलवे का प्रसाद वितरण हम करते हैं, समय समय पर गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, समय समय पर हम यज्ञ का आयोजन, यज्ञ पूजाओं का आयोजन करते हैं, और विशेषकर जो मैं लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ उसके लिए, उस सबकी मेंटेनेंस के लिए ये प्रयोग में ली जाती है। तो आप अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से भी इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारा समाज उत्कृष्ट हो। तो ये था राशि के अनुसार आपका लकी डे। सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आप सभी पर कृपा करें, आप सभी की इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय शनि। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।
श्री कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लाखो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एक और गुरु खड़े हैं, दूसरी ओर ईश्वर खड़े हैं। कबीर दास जी दोनों के मध्य में ये विचार कर रहे हैं कि मैं किसके चरण पहले छू, मैं किसकी वंदना प्रथम करूं, मैं किसके आगे पहले शीश झुकाऊं, किसकी पूजन करूं। फिर उनके मन से ये पुकार उठती है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूँ जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, मेरे जीवन में ईश्वर आए। इसलिए सर्वप्रथम श्री कबीर दास जी कहते हैं, मुझे गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे इस भारत वर्ष की सुंदर परंपरा जहां सबसे ऊपर हमने गुरु को स्थान दिया, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है वो सबसे भाग्यशाली है। गुरु का आशीर्वाद हमारे सर पे एक अभय कवच होता है, एक रक्षा कवच होता है। जिसके भी जीवन में गुरु होते हैं वो नित्य ही नई ऊंचाइयों पर बढ़ने लगता है। वो अज्ञान अंधकार को छोड़ के प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, आनंद की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। और जिसके जीवन में अब तक गुरु नहीं, उसका जीवन तो अंधकार में ही भटकता रहता है। गुरु ही एकमात्र वो है जो आपको मार्ग दिखाते हैं। जहां जीवन भटक रहा होता है अंधकार में, आपको प्रकाश की ओर, उन्नति की ओर, कल्याण की ओर लेकर के जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु अब तक नहीं आया, आप भी अपने जीवन में अब भी भटक रहे हैं, तो आप हमारे गुरु जी, गुरु रजनीश ऋषि जी एवं मुझसे, गुरु मारुकमणि जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे एवं गुरु जी से सदा सदा के लिए जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपने लिए उन्नति के नए द्वार खोल सकते हैं, अपनी सभी कष्ट और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। गुरु दीक्षा हमसे प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें केवल और केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में अपना पूरा नाम, अपना जन्म का तारीख हमें भेजें, ताकि हम गुरु दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाते हुए समस्त योग के शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान कर सके। ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिससे सदा सदा के लिए आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और हम अवश्य ही आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देंगे। हमारी समस्त पूजाओं में, हमारे समस्त कार्यों में, हमारे समस्त पुण्यों में आपका भी योगदान होगा, आपका भी भाग होगा, क्योंकि फिर आप हमारे ही परिवार के एक सदस्य होंगे, आप हमारे ऋषि परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे। अब तक गुरु रजनीश ऋषि जी से एवं मुझसे 133 देशों के हजारों लोग, जिसमें हर धर्म के, देसी विदेशी हर समुदाय के लोग शामिल हैं, वो गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमें फोन ना करें, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसी पर हमें व्हाट्सएप करें और हम समस्त योग्य शिष्यों को गुरु दीक्षा अवश्य ही प्रदान करेंगे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।